वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रही होगी, एक महिला की LMP 10/5/2023 है, उसकी EDD यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बतानी है आप लोगों को। तो कल से जो बच्चे हैं वो बस ये कह रहे हैं कि इसमें 9 महीने और 7 दिन ऐड कर दें, तो ये जो है इसमें 9 महीने और 7 दिन ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वही हमारा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी EDD होगा। क्या लगता है आपको, ये सही आंसर है? तो जिन्होंने थोड़ी भी रीजनिंग पढ़ी होगी ना वो बता सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य हो या हाथी हो या सभी की जो है सो गर्भावस्था की जो पीरियड होते हैं वो फिक्स है, जैसे मनुष्य की 280 दिन। और 280 दिन में अगर 9 महीने को चुनना हो तो क्या वो 9 महीना फिक्स ऐसे कर सकते हैं कि 9 महीने 7 दिन 280 दिन के बराबर होगा? कभी नहीं हो सकता। चलिए मैं प्रूफ के साथ आपको बताता हूँ, ठीक है? और इसके साथ ही आपको जिन टीचर पे ज़्यादा यकीन हो उनको ये वीडियो आप भेज सकते हो, अगर वो गलत बताएं तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट में बताना। साथ ही मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा, ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ करके बताऊँगा, एक ऑफिशियल साइट की ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करके बताऊंगा कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि आप लोग जो आंसर देने वाले हो यानी 9 महीने 7 दिन जोड़ के वो क्या है। इसलिए हम 9 महीने और 7 दिन ऐड कर देते हैं, 7 दिन ऐड करके ये हो जाएगा 17, ठीक है। यहाँ पे कलम का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर में कलम का यूज नहीं हो पाता है, उंगली से लिख रहे हैं तो फिर हैंड राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आप समझ जाना। और ये जो है सो मई यानी इसमें 9 महीने ऐड करेंगे तो 14, दिसंबर को हम 12 मान लेते हैं, 13 जनवरी, फरवरी यानी 17 फरवरी, यही आंसर आ रहा है ना आप लोगों का? चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या आपका ये आंसर सही है या गलत है, ठीक है। और आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग रुके रहना, इसको हम निकालने की एक बेहतरीन ट्रिक भी बताने वाले हैं, आपको घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी ट्रिक बताएंगे। आप ऐसे क्वेश्चन जो अधिकांश बच्चे, अगर एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ मुख्य अवगा की, अधिकांश बच्चे जो गलत करके आएंगे वो आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप सही करके आओगे एक क्वेश्चन। और सबको पता है एक एक क्वेश्चन जो है ना आपको दूसरे से अलग बनाता है रेस में। तो चलिए पहले चेक करते हैं कि क्या ये 17 फरवरी 2024 ये सही उत्तर है क्या। इसके लिए हम एक ऑनलाइन कैलकुलेटर को खोजेंगे। चलिए ये रहा एक कैलकुलेटर, ठीक है, आप भी जाके साइट पर देख सकते हो, ठीक है। किसी जो भी आप गूगल पे सर्च करोगे ना कई सारे ऐसे कैलकुलेटर हैं, आप किसी पे भी चेक कर देना, सब में रिजल्ट सेम ही आएगा। जैसे कि इसमें हम करते हैं यहाँ पे मई है ना, तो मई चुन लेते हैं यहाँ पे 10/2023, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करके दिखाऊँ आपको, ये रहा, ये तो दिखा रहा है देखो फरवरी 14, 2024, जबकि आपका उत्तर क्या आया था अभी, आपका उत्तर क्या आया था यहाँ पे 17 फरवरी 2024। तो ये तो गलत है, ठीक है। तो फिर 14 फरवरी 2024 कैसे आएगा, यही मैं सिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। और इसके साथ कई सारे और क्वेश्चन हैं जिसकी मदद से आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे ऐसे क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे हम सबको पता है कि मानव की गर्भावस्था की अवधि 280 दिन होती है, तो 280 दिन को, एक सेकेंड में स्केच ले लूं, यानी 280 दिन को मैं क्या कर सकता हूं, अगर मान लो कि हर महीने को मैं मान लेता हूं, देखो होता नहीं है लेकिन मैं मान लेता हूं कि हर महीने अगर 30 दिन का हो तो 9 × 3 = 27 यानी 9 महीने में कितने दिन हो जाएंगे, 270 दिन, ठीक है। अगर हर महीने 30 दिन के हो तो 9 महीने में 270 दिन और प्लस 10 दिन, ये तो मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। लेकिन आप बोलोगे कि हर महीने तो 9, जितने भी महीने हर तो 30 दिन के नहीं होते। एग्जैक्टली मैं वही करने वाला हूँ। तो अब मुझे क्या करना है इसमें कि देखो ये मई है ना, इसमें 9 महीने अगर मैं ऐड करता हूँ तो फरवरी 2024 के फरवरी, तो आगे के हर महीने को मैं 30 दिन के मुताबिक जो है ना उसको मैं करता हूँ। जैसे कि देख लो मई है तो मई में 31 दिन है ना, तो मैं 1 कर देता हूँ यहाँ 1 प्लस, फिर जून में 30 दिन है ना तो मैं छोड़ दूंगा उसका, चूंकि मैं 30 दिन का महीना माना ही हूँ। फिर देखो जुलाई में 31 दिन का होता है ना, फिर मैं 1 कर दूंगा। फिर अगस्त में 31 दिन का होता है ना अगस्त, सितंबर 30 दिन का मैं छोड़ दूंगा। फिर अक्टूबर 31 दिन का 1 ऐड कर देंगे,
नवंबर छोड़ देंगे, दिसंबर ऐड कर देंगे, ठीक, जनवरी ऐड कर देंगे, ठीक है। और फरवरी में चूंकि लास्ट तक पहुंचना ही नहीं है ना, लास्ट तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं, तो इसलिए मुझे उसको छोड़ देने हैं। अब आप ये देख लो कि कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिन हो गए ना, तो इसको क्या करोगे आप, घटा दोगे किससे, 10 से, यानी क्या हो जाएगा, 4। और ये जो 4 है ना, आपको क्या करना है, ऐड करना है, यानी 9 महीने 4 दिन। अगर इसमें आप 9 महीने 4 दिन ऐड करोगे तो आपका सही EDD आ जाएगा, जैसे कि कैलकुलेटर में था ना, क्या था, 14 फरवरी, तो बिल्कुल इससे फरवरी आ गया, और 10 में 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी, ये आपका जो है आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं और भी एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, जैसे कि चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको मैं बड़ा कर लूँ थोड़ा, ठीक है। देखो, एक महिला की LMP दिया गया है, इसकी EDD डेट, यहाँ पे देखो वो तुक्का सेट हो जाता है, जो आप बोलते हो ना 9 महीने 7 दिन वाले, यहाँ पे वो सेट हो जाता है। कैसे, मैं पहले तरीके से बना के बताता हूँ। जैसे देखो ये 2 महीने, इसमें 9 महीने ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, यानी नवंबर, तो मैं नवंबर तो लिख ही दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ नवंबर तो लिख ही दूंगा, यानी 11, 2, 11। और इसमें क्या ऐड करना है, तो ये पहले मैं कर लेता हूँ, नवंबर तक मैं ऐड करता हूँ कि क्या क्या होगा। तो पहले फरवरी है ना, तो फरवरी में कितने महीने, सॉरी कितने दिन, 28 दिन, तो -2 कर देंगे हम, ठीक है। फिर ऐड करेंगे मार्च में कितने, 31, यानी 1 ऐड, अप्रैल में 30 होते हैं तो छोड़ देंगे, मई में 1 ऐड करेंगे, 31 दिन का होता है, फिर जून में छोड़ देंगे, 30 दिन का होता है, जुलाई में 1 ऐड कर देंगे, अगस्त में 1 ऐड कर देंगे, सितंबर में छोड़ देंगे, अक्टूबर में 1 ऐड कर देंगे, नवंबर में छोड़ देंगे, और मतलब नवंबर तक ही आना ही है। तो आप देख लो, ये 2 से ये दोनों तो कट जाएंगे यहाँ तक के, ठीक है, यानी 1, 2, 3, यही बचा ना। और इसको किससे घटाना है, 10 से, किससे घटाना है, 10 से, यानी इसमें 10 से घटा दोगे, 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 7 ही ना, यानी इसमें 9 महीने 7 दिन जोड़ने हैं। और यही आप लोग याद रखते हो हमेशा, कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हम 9 महीने 7 दिन इसमें जोड़ देंगे और मेरा EDD प्राप्त हो जाएगा, जबकि ये गलत है। अभी जस्ट फिर से मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि उसमें सिर्फ 4 दिन जोड़ने थे, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप 17 नवंबर, इसका हो जाएगा 17 नवंबर, 17/11/2023, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रही है, एक महिला की LMP 29 मई 2023 है, उस महिला की EDD डेट बताएं, क्या बना लोगे क्या, देखो इस क्वेश्चन को बना लोगे, चलो मैं बता देता हूँ इसको। तो 29 मई दिया है ना, सेम मेथड मैं यूज करूँगा मई के लिए, क्योंकि हर महीने को मैंने 30 दिन मान लिया है, 30 दिन का, तो जो भी 31 दिन का होगा उसमें मैं 1 दिन ऐड करता जाऊँगा, और जो कम दिन का होगा, 30 से कम, फरवरी जैसे, उसमें मैं उसको जितने दिन कम होगा, 28 होगा तो 2 दिन माइनस करूँगा, और 29 होगा तो 1 दिन माइनस करूँगा। तो चलो मई के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 दिन जोड़ लेता हूँ, चूँकि 31 का है, जून 30 दिन का छोड़ दूंगा, जुलाई 31 का है, 1 ऐड करूँगा, अगस्त भी 31 का है, 1 ऐड करूँगा, सितंबर 30 का है, छोड़ दिया, अक्टूबर 1 ऐड करेंगे, नवंबर छोड़ दिया, दिसंबर 31 का है, 1 ऐड करेंगे, जनवरी भी 1 ऐड करेंगे, ठीक है। और फरवरी, देखो फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन देखो 2024 में तो लीप ईयर होगा ना, यानी फरवरी 29 दिन का होगा, और 29 दिन का हो तो माइनस 1 ही होगा ना, 1 ही होगा ना, तो इसको हटा दो, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही बचे ना, यानी 10 में से 5 घटा देने हैं, यानी इसमें क्या जोड़ना है हमें, इस बार हमें 9 महीने और 5 दिन जोड़ेंगे तो EDD डेट प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 29 में 5 जोड़ो। अभी आप बोलोगे कि सर 29 फरवरी थोड़ी होती है या 30 फरवरी थोड़ी होती है, अरे हमें भी पता है 29 फरवरी या 30 फरवरी
नहीं होती, लेकिन हमने माना है ना हर महीने को 30 दिन, इसीलिए तो मैं माइनस प्लस करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो उसमें 5 दिन हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30, 1, 2, 3, 4, यानी 4 मार्च यही होगा ना, 4 मार्च 2024। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। और एक क्वेश्चन ये आप लोग खुद बनाओगे, ये देख लो मैं बड़ा कर देता हूँ, जो मेथड में बताया हूँ इसी मेथड से आपको बताने हैं, और कमेंट में ये सबका सही होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि आपको बताना ही मत आंसर, जिसका जो आंसर आए बताओ, अगर गलत बताते हो तो मैं सही कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ट्राई सब लोग करेंगे, नहीं करोगे मेरा कुछ नहीं ले जाओगे, एग्जाम में खुद पछताओगे बाद में जब सब सही करके आएंगे और तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझसे ज़्यादा तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, अगर मैं कुछ सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ तो उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ सीखने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ।